प्यारे बच्चों, हमारे चैनल बीसीसी रखई में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि युक्ल विभाजन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए युक्ल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसके पहले मैं एक नंबर क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ इस चैनल पे, उसको भी विजिट करके आप देख लेंगे, क्योंकि उसको बनाने से आपको ये भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। और इसको युक्ल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम इसको हल करेंगे। जैसे बड़ी वाली संख्या, इसे हम मानेंगे a, माना कि a बराबर a वाली जो संख्या, a जो है बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं, यानी बड़ा जो होता है उसको a मानते हैं। 38,220 यानी 38,220 तथा b बराबर 196 यानी बड़ा वाला संख्या जो है उसको a मानेंगे और छोटा वाला संख्या जो है उसे हम b मानेंगे। यहां देखिए आप, ये a जो है b से जो है क्या है, बड़ा है। यानी जेने नोक तेने छोट, आपको बताया जाता है कि जिधर नोक है उधर वाली संख्या छोट होती है। इसको हम युक्ल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यानी युक्ल विभाजन परिमेयता द्वारा इसको हम हल करेंगे। युक्ल विभाजन परिमेयिका से a बराबर bq प्लस r, यानी r जो है जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। b जो है दोनों से, यानी जीरो से और r दोनों से बड़ा होता है। और इसको इस सूत्र पे रखने के लिए हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे 38,220 जो है इसमें हम 196 से भाग देंगे। 196 यानी इसको काटेंगे, 196 एक मार्क में कटेगा, 6 17 में से 9 गया 8, यहां बचा 1, फिर यहां हम उतार देंगे 2, फिर देखेंगे 5 से लग जाएगा, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 9 से लगेगा, ये 9 से यहां लगेगा, यानी 9 6 54, 9 9 81 81, 5 86, 9 9 8 17, यानी 12 में से 4 गया 8, 15 6 गया 9, यहां बचा आपका 7 कट गया, फिर हम उतारेंगे 0, फिर 5 से ये आसानी से कट जाएगा, 980 कट गया। यानी इसका मतलब यहां 0 आ गया, यानी शेष 0 थे। इसको r मान लेंगे, इसको a और इसको b, इसको q। अब हम युक्ल विभाजन सूत्र पर इसका मान पुट कर देंगे। देखिए a कितना है, यहाँ a 38,220, a के जगह पर उसका a का मान पुट करेंगे, 38,220 बराबर b जो है 196, यहाँ इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, q जो है 195 प्लस जोड़ यहाँ है प्लस r, आर जो है आपका 0, यानी 0 आ गया। अब इससे आगे ये भाग नहीं लग सकता, इसमें हम भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम हमारा जब शेष 0 आ जाए तो यानी यहां हम जाना देंगे आर बराबर 0, यानी रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ गया, इससे आगे विभाजित नहीं हो सकता है। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 196 और 38,220 है, यहां लिखेंगे चूंकि 196 और 38,220 का HCF 38,220 का HCF बराबर कितना से कटा है, जो काटेगा संख्या, 196 ही काट दिया ऑलरेडी, तो 196 यहां आंसर, इसको लिख देंगे आंसर। अब हम लोग देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन। जैसे इसमें बड़ा वाला संख्या ये है और छोटा वाला संख्या ये है, सेम उसी रूल पे उसी मेथड पे हम इसको भी बना लेंगे। माना कि a बराबर 867, अब इधर या उधर कोई जो बड़ा है उसको हम ये मानेंगे, इधर इस साइड में बड़ा है, इधर इधर छोटा है, तो जो बड़ी वाली संख्या उसे a मानेंगे, तथा b जो है 255, यानी जेने नोक तेने छोट वाली रूल लगाएंगे, यानी a बड़ा है तो इधर
छोटा बी है तो इधर नुक कर देंगे और इधर खंड कर देंगे तो ये बड़ा हो गया। अब फिर युक्ल विभाजन, युक्ल विभाजन, विभाजन परमेयिका से, परमेयिका से, युक्ल विभाजन परमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसका शर्त क्या है, जीरो जो है आर से छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है और बी जो है ये दोनों से बड़ा होता है। अब इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला जो है उससे बड़ा वाला में भाग देंगे, जैसे 867 में हम 255 से भाग देंगे, 255 से भाग देंगे, यानी तीन बार में ये लगेगा, 5 × 15 × 16 3 × 6 = 7 यहाँ बचा 2 0 1। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस मेथड का प्रयोग करके इसमें मान रखेंगे ए बी क्यू और आर। ए का मान एक के जगह पर पुट करेंगे 867 बराबर बी 225 गुने, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध है, क्यू 3 जोड़ आर जो है 102, यानी आर जो आया जीरो जब तक नहीं आएगा तब तक आर नॉट इक्वल टू जीरो हम लिखते चलेंगे साथ साथ। अब फिर दूसरा जब शेष जीरो नहीं आया तो फिर इसको घेर के यहां से भाग देंगे 255 में, दो से लगाइए, 2 × 4 जीरो, 2 × 2 यानी 1 5 कट गया। अब यहाँ ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा, यानी जितनी इसमें लाइन चलेगी उतना बार ये ए बी क्यू आर बदलते जाएंगे। देखिए यहाँ ए ये था, बी ये था, क्यू ये था और आर ये था, यहाँ दूसरी लाइन में हम लोग आए तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया और आर ये हो गया। अब ए का मान यहाँ पुट करेंगे 255 बराबर 102 गुने, क्यू का मान कितना है 2 जोड़ 102, यानी कि कहने का मतलब आर जो है 51 है, 51 यानी फिर से जो है बराबर जीरो के बराबर नहीं आया तो आर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर आगे दूसरा देखेंगे हम, फिर हल हो सकता है, यहाँ घेर देंगे, यहाँ 102 में 51 से भाग देंगे, यानी दो बार में कटेंगे, 2 × 2 = 10 कट गया। अब इस लाइन में ए फिर चेंज हो जाएगा, बी चेंज हो जाएगा, क्यू चेंज हो जाएगा और आर जो है कटने का मतलब यहाँ जीरो आ गया। तो फिर इसका मान रखेंगे ए बराबर 102 बी बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0, इसका मतलब आर जो है जीरो के बराबर आ गया तो इसके आगे अब भाग नहीं दे सकते, इसके आगे भाग नहीं लग सकता, तो लिखेंगे चूंकि 867 और 255 का HCF बराबर कितना कटा था लास्ट में, कितना से 51 से, 51 आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहे, हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।